الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي जिदनी इल्मा करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर करो मेहरबानी तुम्ले जमी पर खुदा मेहरबान हो बरी पर हाजरी ने मजलिस इस्लामी भाइयों तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं दरूद और सलाम हो तमाम अम्बिया व रसुल बिलखसूस हम सब के नबी जनाब वसल्लम पर हाज़रीन मजलिस सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें और आपको अजीतनाक खौफनाक मनाजिर से ज़िंदगी से निकाल करके अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका फिर से अता फरमाया इस पर अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम क्योंकि हम ही में से बहुत सारे अहबाब ऐसे थे इससे पहले जो दर्श और दुरूस हुआ करते थे फ़र्ज़ कर लीजिए यहीं पर उनमें से बहुत से चेहरे आज गायब यानी मनोमन मिट्टी के नीचे मदफ़ून हो चुके हैं तो आइए हम तहे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे उन तमाम मोहदीन बंदे जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा आमीन मोहतरम हजरात इस्लाम के नज़दीक व कसरत कोई माना नहीं रखता जैसे शेख मोहतरम ने वजाहत कर दी और हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के इंतज़ामिया मंतजमीन का बिलखसूस फजीलतुलशेख़ इम्तियाज़ अहमद रहमानी हफीज़ुल्ला का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर चंद बातें कहने की दावत दी अल्लाह ताला हमें हक कहने और उस पर अमल की पूरी तोफ़ी कता फरमाए आमी मैं ये कह रहा था कि किल्लत कसरत इस्लाम में कोई माना नहीं रखता है इस्लाम में माना क्या रखता है क्या रखता है ईमान अमल साले यानी ईमान के साथ साथ अमल साले होना यही अहमियत रखता है तो आप कभी भी रंजीदा कबीदा खातिर ना हों के आवाम की तादाद कम है बयान कैसे हो यहाँ पर जितने भी अहबाब बैठे हुए हैं काबिल मुबारकबाद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के आईने में के जो हदीस खुदी ये बयान करती है कि अल्लाह तआला कहता है कि जब बंदा मुझे अपने जी के अंदर याद करता है तो मैं भी उसे क्या करता हूँ याद करता हूँ और जब बंदा मेरा तस्करा किसी मजलिस और महफिल में करता है यानी जैसे ये मजलिस लगी हुई है यहां पर किसका जिक्र हो रहा है अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम का तो जब ऐसी मजलिसों और महफिलों में बंदा अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करता है तो ईमान वालों खुश हो जाओ खुश हो जाओ हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं अल्लाह तबारक वाल हम सब का तस्करा बोलो आसमानों में फरिश्तों के सामने कर रहा है बताइए अब इस मजलिस की इससे बड़ी अहमियत कोई हो सकती है अल्लाह वालों जवाब आपके हवाले हो सकती है नहीं हो सकती है तो जब नहीं हो सकती है जो दूर है जरा और करीब आ जाए जो जरा दूर हैं अब तो चला गया भाई कोरोना का दौर चला गया अब कोई ऐसा मजलिस कोई ऐसा मामला तो है नहीं तो जब आप करीब आएंगे तो और अच्छा रहेगा दूर से मामला जो है थोड़ा समझ में नहीं आते तो बहर कैफ आज का मौजू खमत खलक एक दीनी फरीजा जो आपके सामने वजाहत किया गया है मौजू के ताल्लुक से बस वही चंद बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ बहुत ही मजबूर है हर लम्हा हर जाविया सहारे का मोहताज उसकी मिसाल हमारी और आपकी ज़िंदगी में मौजूद है हमारे नज़रों के सामने आया है वो कैसे हम पैदा हुए तो हमें वालिदैन का सहारा मिला यानी हम वालिदैन के सहारों के मोहताज रहे हमारी परवरिशों परदाख हमारे वालिदैन हमारे गार्जियन के जिम्मा रहा यानी वहाँ भी हम जो है सहारे के मोहताज रहे इसी तरीके से जिंदगी के हर हर जाविये में सहारे के मोहताज होते जाएंगे यहाँ तक के इंसान जब इस दुनिया से जाएगा वहाँ भी सहारे का मोहताज हम हर आए दिन देखते रहते हैं कि हमारी वफात यानी हमारे घरों में हमारे अहबाब की वफात हो जाया करती है तो वहाँ पर कांधा जो है एक दूसरा इंसान दिया करता है तो पता ये चल रहा है कि पैदाइश से लेकर के वफात तक जो ज़िंदगी के ये मराहिल हैं हर जाविये में हम और आप सहारे के मोहताज हैं कोई इंसान अपने आप में दावा नहीं कर सकता कि मैं सहारे का मोहताज नहीं हूँ तो अब बताइए जब इंसान एक दूसरे इंसान के सहारों का मोहताज है और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निजाम को एक तरह ऐसा बनाया है कि बिला एक इंसान दूसरे इंसान की मदद और ताउन से वो आगे नहीं बढ़ सकता है वो आपकी ज़िंदगी में हमारी जिंदगी में तजर्बात भी आ चुके हैं बहरकैफमत खल यानी इंसानियत की खिदमत करना ये हमारा और आपका अवलिन फरीजा बनता अल्लाह सुबहान कुरान करीम के अंदर बयान फरमायान तुम खैर उम्मतिन उखरजतनास तमरू न बिलमूफ़ी व मुनकर व तुमिनना किताबिल खैरह मिनहमिन वाकसिकून के तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो यानी हम बेहतरीन उम्मत हैं जो लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हैं बुराइयों से रोकते हैं ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी सादत है अब इन भलाइयों में सारी चीज़ें आप ले लीजिए ख़दमत खल के वो तमाम पहलू ले लीजिए इस्लाम नाम सिर्फ़ नमाज का नहीं इस्लाम नाम सिर्फ़ रोज़े का नहीं इस्लाम नाम सिर्फ जो है अस्कार का नहीं बल्कि जिंदगी के तमाम जावियों पर महमूल जो इंसानियत की खदमत है वो भी इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल है इस्लाम जैसा प्यारा मजहब इस कायनात इस दुनिया में ना है ना आएगा ना और ना आ सकेगा क्योंकि अल्लाह तबारक वाली का बनाया हुआ दीन है जो फितरत से तकाजा करता है और दुनिया के जितने भी अदियान मज़ाहिब हैं वो इंसानों के हमारे और आपके खुद साख्ता हैं इसीलिए इसी में चलने में नज़ात है इसी में हमारे और आपके लिए कामयाबी है तो बहर कैफ खदमत खल के फवाद सबसे पहला नुकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ अपने खिताब का कि खिदमत खल का फ़ायदा है क्या तो उसके फवायद पहले दुनियावी एतबार से हम समझ लेते हैं कि दुनियावी फायदा खदमत खल का क्या है सही रिवायत है बुखारी शरीफ की रिवायत भी मौजूद है कि अल्लाह के रसूल जनाब महम्म ने बयान फरमाया मामिन युसबीबादुफी मलकानी अनदुमा अल्ला मुनफिकन खलफा आखर अल्लाह आती मुनसिकन तलफा कि हर दिन सुबह सवेरे आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं कितने फरिश्ते दो फरिश्ते नाजिल होते हैं अल्लाह तबारक वाल की तरफ से आते हैं सुबह सवेरे और वो ये कहते हैं एक फरिश्ता उसमें से कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करता है तू उसके माल में ज्यादती फरमा क्या है समझ में आ रही कि अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करता है तो उसके माल में बढ़ोतरी अता फरमा और दूसरा यह कहता है कि अल्लाह जो तेरी राह में खर्च नहीं करता है मुमसिकन तलफा उसके माल को हला को बर्बाद कर दे तबाह कर दे ये अब आप अंदाजा कीजिए इस हदीस पाक से के जो है अल्लाह के राह में खर्च करना यह माल में ज्यादती का सबब है और अल्लाह की राह से खर्च ना करना यानी अल्लाह की राह में खर्च ना करना ये आपके माल में हलाकत का बाइस है आपकी जिंदगी में तबाही का बाइस है अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जब फरिश्ते दुआ दें तो बताइए क्या फरिश्तों की दुआएं बोल वल्ला वालो रायगा जाएंगी नहीं जाएंगी और जब फरिश्ते बद दुआ दें तो बताइए उनकी बद दुआएं रायगा जाएंगी नहीं जाएंगी इसीलिए जो है खदमत खल का दुनियावी फ़ायदा ये समझ में आया कि अगर हम अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमारे माल में ज़्यादती अता फ़रमाएगा ज़्यादती करेगा उसके बाद खदमत खल का जो है आपकी ज़ाती तहफ़ भी होगा ख़दमत खल की वजह से ज़ाती तहफ़ यानी आपके जान की हिफाजत भी होगी अगर आप खिदमत खल करते हैं तो अल्लाह तबारक आपकी ज़ात की, की हिफाजत भी फरमाएगा वो कैसे नबी मुकर्रम जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है नबी सलाम पर जब पहली वही का नज़ुल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम वसम गारा से भागते हुए आए वापस आए और अपने घर में दस्तक दी तो अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताल से कहा जमिलूनी दस्सरूनी लकद खशी तो अला नफसी अय खदीजा तोबरा मुझे चादर उड़ाइए कंबल उड़ाइए मुझे इस बात का खदशा है कि मैं कहीं वफात ना पा जाऊँ मैं कहीं इंतकाल न कर जाऊँ तो अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताल ने जो सुनहरे अल्फाज जो आपको तसल्ली देने वाले जो आपके दिल को छू लेने वाले अल्फाज कहे थे वो हदीस पाक के अंदर बयान किया गया कल्लाब अल्लाहु अबदा शिर वल्लाबदा वल्ला रहीम व तहमिल्कल्ला व तकसिबुल सिबलमादूमा व व रिज अला नवाइबिल हक़ आए मेरे शौहर मोहम्मद आप हरगिज़ ना घबराएं हरगिज ना डरे क्यों क्योंकि आप तो वो हैं आप वो हैं कौन इन्नक लतसिलुर रहीम, व कल्ला, व तकसिबुल सिबलमादूम अरे आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ने वाले हैं आप सिला रहमी करने वाले हैं आप गरीबों मोहताजों का सहारा बनने वाले हैं आप दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं आप तमाम लोगों के काम आने वाले हैं क्या पता चला पता ये चला कि खदमत खल्क से आदमी का जाती तफज भी अल्लाह सुबह क्या है करता है ये फायदा है खदमत खल्क का जाती उसके बाद उखरवी फायदा हम देख लेते हैं एक एक मिसालें देकर के सही बुखारी की रिवायत है हजरत अबू हरेरा रज़ील्ला हदीसे पाक के रावी बयान करते हैं कि एक साहब ये रसूल वसल्लम जो लोगों को कर्ज दिया करते थे तो उन्होंने बाकायदा अपने वसूली करने वाले लोगों से ये कह रखा था कि जो मस्किन होगा जो मेरा मक्रूस जो है परेशान हाल होगा उसके साथ रियायत बरतना यानी उसे माफ फरमा देना हो सकता हो अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले हमें माफ फरमा दे चुनांचे हदीसे पाक के अंदर बयान किया गया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब वो अल्लाह तबारक व ताला से मिले तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें क्या किया माफ फरमा दिया क्या समझा आपने यानी खिदमत खल का ये उखरवी फ़ायदा जो मैंने आपके सामने पेश किया ये तीन अहम बुनियादी नुक्ता जो है खदमत खल के फवाद के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखा है अब उसके बाद खदमत खल ना करना ये तबाही का बायस है तबाही का बायस है आप खुद परेशान और हैरान हो जाएंगे आपकी माल आपकी ज़िंदगी तबाह वर्बाद हो जाएगी ये मैं नहीं कहता बल्कि रब करीम का कलाम बयान फरमाता है वो बागवालों का किस्सा हम और आपने सुना होगा जो सूर कलम के अंदर अल्लाह तबारक वाला ने बयान फरमाया क्या है इन्ना बलौना हम कमा बलौना असहाल जन्नति इज अक्सम लयस रिमन्ना के एक शख्स था जो अपने माल का अपने बाग का जो है फलों को गरीबों और मिसकीनों में तकसीम किया करता था हिस्सा लगाया करता था जब उसका इंतकाल हो गया जब उसके वारिस उसके औलाद बने तो उन्होंने कहा हम इसमें से कैसे गरीबों और मिसकीनों को दें हमारी ही ज़रूरियात ज़िंदगी इससे पूरी नहीं होती है हम नहीं दे सकते हैं नहीं देंगे हमारे अब्बा देते थे वो बहुत बेवकूफ आदमी थे सूरह चे अल्लाह तबाराक व तआला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया इन्ना बलाउनाहुम कमा बलाउना اصحاب अल जन्नत इज अक्समु लिसरमुनहा मुसबीन फतनादउ मुसबीन अन इर्दू वला इन कुंतुम सारमिन फंतलकु वहुम यतखाफतुन अल्लाह يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا ولا هرن قادرين गए कि चलो सुबह होने से पहले ही फल को उतार लाया जाए फल को उतार लाया जाए ताकि गरीब और मिस्कीन जो पाया करते थे उन्हें ना मिले तो अल्लाह तबारक को के आगे किसकी चल सकती है किसकी चल सकती है वो उन्हीं रास्तों पर जा रहे थे जिस रास्ते पर बाग था लेकिन फिर भी उन्हें अपना बाग नहीं मिल रहा था अल्लाह तबारक को ने उनके बाग को तबाह बर्बाद कर दिया तो अब बताइए कि खदमत खल्क ना करना ये तबाही का बाइस है आपका माल बर्बाद हो सकता है आपकी तिजारत खराब हो सकती है अब आप ईमानदारी से अपना फैसला खुद कीजिएगा कि लॉकडाउन के इस मुश्किल तरीन अयाम में आपने कितना अपनी हैसियत के अतबार से लोगों का ताउन किया लोगों की मदद की वह आप खुद ही समझ सकते हैं लॉकडाउन का वो मुश्किल पीरियड कि जब आदमी एक दूसरे का फोन उठाना भी गवारा नहीं करता था आदमी एक दूसरे के जनाजे में शिरकत करना गवारा नहीं करता था हालात ऐसे थे दुनिया के लेकिन आपको अल्लाह ताला ने जिस हिसाब से ताकत और कुवत दी थी आपने कितना ताउन किया आप इसके बारे में कल क़्यामत के दिन अल्लाह के यहाँ मसूल होंगे अल्लाह के यहाँ जवाबदेही आपको देना होगा इसीलिए हम और आप हमेशा अपने आप को ये तैयार कर रखें कि अल्लाह ताला ने हमें जिस भी एतबार से बनाया हो हम उस एतबार से लोगों की मदद करने की पूरी क्या करें कोशिशें करें पूरी कोशिशें करें अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है ल के जरिए से लोगों का भला करने की कोशिश करें अल्लाह ताला ने तक ताकत वजा है जहां इसकी जरूरत पड़ जाए आप उसके जरिए से लोगों की ताउन करें इसी तरह से अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो आप अपने माल के जरिए से लोगों की ताउन करें अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो याद रखें कि अल्लाह तबारक वाले जवाब देना होगा तो हम क्या जवाब देंगे तो अब हम आगे चलते हैं अगर इसकी अहमियत समझ में आ गई तो हम आगे खदमत खल कैसे किया जाए किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं ये बड़ा वसी वरीज मौजूद है दुनिया में लोग फलाहो बहबूद के बहुत सारे काम करते हैं लेकिन इस्लाम ने जो वसूल और जबता फ़लाहो बहबूद का बतलाया है क्या ही निराला अंदाज आइए सबसे पहले खदमत खल का अहम नुकता मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये है कि खदमत खल का पहला नुकता ये है अखलाकी व रूहानी यानी अखलाकी और रूहानी एतबार से लोगों की क्या किया जाए मदद की जाए तो सबसे बड़ा फरीज़ा हमारा और आपका ये बनता है कि अगर आदमी जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए कि जहन्नम में जाने से बचाएं जहन्नम में जाने से हत्तल मकदूर बचाने की कोशिश करें यह हमारा अव्वलीन फरीजा है यह भी खल्क है, खलक है यह इतना बड़ा ये दारा या ये सारी चीज़ उलमा या इम्मा यह आपके दिए हुए अतियात के जरिए अल्लाह के, के दिन का काम जो होता है क्या यह खिदमत खल्क नहीं है यह भी खदमत खल्क है और यह बहुत बड़ा खदमत खल्क है कि आदमी को जहन्नम से बचा करके जन्नत में ले जाना यह बहुत बड़ा खैर है यह बहुत बड़ा खदमत खल्क है आप इस बात का अंदाज़ा जनाब मोहम्मद वसल्लम के जिंदगी से आप ले सकते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम पर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई वंजिर अशीरतक लक्रबीन क्या है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने अज्जा व अकरबा को डराएं अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं तो नबी नबीलात ने कोहे सफा पर खड़े होकर के लोगों को आवाज दी और सब के सब जमा हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खिताब को पेश फरमाया लोगो मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं उस तबाही से डराने आया हूँ जो तुम्हारे लिए हलाकत का बाइस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को एक एक करके कहा या का लुई अन अनफुसकुम मिनन्नार अल्लाह के रसूल ने कहा ए काब इब्ने लुई अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ ए अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ ए सफिया अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ ए फातिमा सलीनी मिम्माली इन्नी ला उग्नी अंकी मिन अल्लाहि शय्य मेरे माल से दुनिया में जो चाहे मांग ले मैं कल कयामत के दिन अल्लाह के गर्फ से तुम्हें नहीं बचा सकता हूं अब आप अंदाजा कीजिए कि मोहम्मद रसूल वसल्लम किस कदर जो है लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिशें और जन्नत की तरफ लाने की कोशिशें किया करते थे ये ये इस बात की शाहिद है और ये वाकयात हमें और आपके लिए हमारे और आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी इबरत और नमूना है जिस पर हमें और आपको अमल करना चाहिए इसीलिए अल्लाह तबारक ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया या अय्युहल लजीना क़ु अनुफसकुम व अहलिकुम नार हिजारा कि ए ईमान वालो ऐ अल्लाह वालों खुद अपने आप को अपने हलोयाल को सारे लोगों को क्या करो जहन्नम के अज़ाब से बचाओ जहन्नम के अज़ाब से बचाओ उस अज़ाब से जिसका ईधन इंसान और पत्थर है अकबर, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जज्बा हम देख लेते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने आखिरी हद तक लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिशें की है ये खमत खल का अखलाकी फरीजा बनता है इसीलिए हमें और आपको भी कोशिशें करते रहना चाहिए अल्लाह तबारक तआला आपके इस अमल के जरिए हो सकता हो लोगों को फायदा पहुंचा दे और जिसके जरिए से आप भी फायदा मंद हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जिनका नाम क्या है अबू तालिब क्या है अबू तालिब है ना आखिरी वक्त में मौत के लम्हात में उस कर्ब के अयाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अम्मी कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ मेरे चचा जान आप लाला इला ला कह दें कल कयामत के दिन में अल्लाह रबीन के यहाँ आपके हक हाँ में गवाही दूंगा आपके हक हाँ में सिफारसी बनूंगा लेकिन अल्लाह तबारक जिसे हिदायत ना देना चाहे उसे कौन दे सकता है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जज्बा आप देखिए कि मौत के दरवाजे तक आपने जो है लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिशें की ये आपका बहुत बड़ा जो है अखलाकी फरीजा जो आपने लोगों के साथ दावत दी और लोगों को जहन्नम से बचाया तो हमारा और आपका भी फरीजा यही बनता है खल की ये भी इस पहलू में शामिल है उसके बाद आइए वो आखिरी हद तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिशें की जो एक लड़का आपकी खिदमत किया करता था और जब वो बीमारी के अंदर मुबतला हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने उन उसकी आदत की तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने उस बच्चे से कहा कि आए बच्चे तुम ला इल्ला का इकरार कर लो कलमा पढ़ लो ईमान वाले हो जाओ वो बच्चा अपनी बाप की तरफ देखता फिर नबी मुकर्रम की तरफ देखता बाप ने ये कहा कि आए बच्चे जो कासिम कह रहे हैं यानी मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसे कह लो सलाम ने आखिरी वक्त तक आपने लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिशें की है तो ये हमारा और आपका अखलाकी व रूहानी फरीजा बनता है कि हम जो है लोगों को जहन्नम से बचाएं और जन्नत की तरफ लाने की कोशिशें करें ये खदमत खल का अखलाकी व रूहानी फरीजा बहुत सारी बातें हो सकती हैं अब चलिए बदनी खिदमत खल हम अपने जिस्म के जरिए से कैसे कर सकते हैं अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है तो आपको अपनी ताकत के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए मसलन आपके सामने अगर कोई आदमी बेहोश होकर के या इसी तरीके से और किसी हालत में वो गिर पड़ा है तो आप चाहें कि आप उसका बोझ उठा उसे उठा दें या अगर बोझ है तो उसके बोझ का सहारा बन करके उसके सर पर या उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा देने की ये कोशिशें करें हजरत मूसा सलात का नाम हम और आपने सुना है और जानते भी हैं कुरान करीम में अक्सर मकाम पर हजरत मूसा सलात का जिक्र हुआ हजरत मूसा सलातम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुजीदा बंदे पैगंबर हैं हजरत मूसात गए देखा कि जो है कुएं के पास दो बच्चियां लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं और दो बच्चियां साइड में खड़ी हुई अपने बारी का इंतजार कर रही हैं हजरत मूसातम ने क्योंकि ताकतवर थे और डोल से पानी निकाल करके कुएं से और उनकी बकरियों को पानी पिलाया पानी पिलाया हजरत मूसा सलातम के इन तमाम खूबियों का तस्करा उन बच्चियों ने जाकर के अपने बाप से किया अल्लाह तबारक ने खिदमत खल का फायदा हजरत मूसलातलाम को इसी दुनिया में दिया पानी पिलाने की वजह से अल्लाह तबारक वाली ने जोजियत भी अता फरमा दी ये कितना बड़ा फायदा दुनिया में ही अल्लाह ताला ने अता किया अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं तो अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है तो आप ताकत के जरिए लोगों के काम आए लोगों के सहारा बने ऐसा ना हो कि आप अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करें नहीं बल्कि सही मानों में इस्तेमाल करें क्योंकि कुरान करीम कहता है के भलाइयों के कामों में लोगों की मदद की जाए और बुराइयों के कामों से बाज रहा जाए उसमें आप हरगिज ना शरीक हों तो खदमत खल आप अपनी ताकत के अतबार से कर सकते हैं उसके बाद खदमत खल का जो तरीक़ार है वह आपने एक पैगंबर हजरत यूसुफ अलीसलाम का नाम सुना होगा आज हम अपने बच्चों को दसवीं बारहवीं की तालीम बड़ी जोश खरोश में देते हैं बड़े जज्बे के साथ देते हैं लेकिन उसके बाद हमें करना क्या है वो टारगेट और वो हदफ हमारे पास नहीं है नहीं होता है अक्सर हमें बच्चों को करवाना क्या है यही लोगों को पता नहीं रहता दसवीं बारहवीं तक तो सुबह और शाम ट्यूशन करा करके इधर से दीन का मामला भी गायब करा दिया उधर से जो है दुनिया का भी मामला गायब करा दिया और लोगों को यह इतनी पड़ी है कि हमारे बच्चे का नंबर दसवीं में इतना था बारहवीं में इतना था लेकिन आगे क्या होना चाहिए ये लोगों को पता नहीं मुसलमानों आप अपने बच्चों को अपने बच्चों की करियर की फिक्र करें मुस्तकबिल की फिक्र करें उनको एक हदफ बना करके उस हदफ और टारगेट के जरिए कामयाब बनाएं मिसाल के तौर पर हम बहुत चिल्लाते और चीखते हैं कि हमारा कोई मुआविन और मददगार नहीं हमने खुद अपने मुआविन और अपनी मदद के सारे दरवाजे हमने बंद कर लिए हैं चलिए ठीक है आपकी मेजोरिटी नहीं है आप पावर और ताकत और कुवत में अपनी हुकूमत नहीं बना सकते हैं लेकिन इल्म एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से आप हुकूमतों के उन तमाम शोबों में आप जा सकते हैं जहां आपके कलम की ताकत है जहां आपके कलम की बहुत बड़ी पावर है जिस एग्जाम को और जिस कामयाबी और टारगेट को हम और आपने आई और पी सुना होगा सुना है कि नहीं सुना है इस मुल्क को चलाने में किनका किरदार है बोलिए किनका किरदार है अरे बोलो यार ये तो मौलवी से हट करके बात है किसका किरदार है आई और पीसीएस का जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उन्हीं अफसरों के कलम में इतनी ताकत है आप अपने बच्चों को जहां डॉक्टर बनाने की कोशिशें करते हो उससे ज्यादा आप उन्हें हुकूमत के उन ओहदों तक पहुंचाएं जहां एक हुकूमत अपने तमाम मंसूबों को तकमील देता है वहां आपका बच्चा अपनी कलम के जरिए से उन हुकूमतों की सारी बातों की तर्दीद भी कर सकता है तो आप बनाइए तो आईएएस और पीसीएस बनाइए आज जो दुनिया और हमारे मुल्क का माहौल जिस कदर ताफन ज़्यादा है उसमें अच्छे लोगों का ना होना है यही वजह है कि आज हम चीखते और चिल्लाते हैं आप किसी को बुरा मत कहें आप खुद अपने आप में फैसला करें तो आहद करें कि हम अपने बच्चों को दीन के साथ साथ हम दुनिया के उन तमाम मसूलों का हम बाकायदा उन्हें जानकार बनाएंगे और उन्हें उस उसदे तक पहुंचाएंगे जहां उसके कलम के जरिए से हमारे कौम का मिल्लत का फायदा हो मिल्लत का फायदा हो तो आप वहां तक पहुंचाने की कोशिशें करें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें भाइयों ने कुएं के अंदर डाला था महाज इस बुनियाद पर ख़त्म ही हो जाए इसे नीस्त नाबूद कर दिया जाए लेकिन अल्लाह तबारक उताल जिसे रखना चाहे उसे कौन खत्म कर सकता है अल्लाह ही की जात है वो अल्लाह बेहतर जानता है किससे क्या काम लेना है अल्लाह तबारक ले लेता है हजरत यूसुफ अलीसलातम के भाइयों ने यूसुफ को मारना ही चाह था आज देखिए कोई मुसलमान हो कायद के रूप में हो या किसी अफसर के रूप में हो मुसलमान अपने मुसलमान की टांग खींचने में रहता है और दूसरा जो है अपने भाई की सपोर्ट करता है लेकिन हमारा मामला उसके बरक्स है बैर कैफ आगे चलते हैं हजरत यूसुफ अलीस्म को कुएं से निकाला गया निकले अल्लाह तबारक वाल के हुक्म से और उन्हें बाजार मिस्र में नीलाम किया गया किस रूप में नीलाम किया गया आप घबराए नहीं अगर आपके साथ साजिशें हो आपके साथ बगावतें हो आपका सब कुछ लूट जाए आप हरगिज ना घबराएं यही तो अल्लाह पर यकीन और एतमाद का सबसे बड़ा फायदा है हजरत यूसुफ को कुएं से निकालने के बाद जो है बाजार मिस्र में नीलाम किया गया बोलिए किस रूप में गुलाम के रूप में तस्वर कोई कर सकता है कोई तस्वर कर सकता है कि एक बच्चा जो गुलाम के रूप में नीलाम हो रहा हो सरे बाजार वो हुकूमत की एक बड़ी मिनिस्ट्री पर फाइज होगा जो लोगों को फायदा देगा और लोगों के काम आएगा लोगों की खिदमत करेगा हजरत यूसुफ असलातम जिनकी जिंदगी बड़ी कर्बनाक और अजियतनाक है पुराने करीम यूसुफ़ पढ़ो सब आपको पता चल जाएगा हजरत यूसुफ असलातम जानते थे क्या जानते थे के मिस्र के अंदर अल्लाह व ताला की जानिब से के जो है पड़ेगी और ये हुकूमत नाहल है। लोगों की ताउन और मदद नहीं कर सकती है यानी लोगों के काम नहीं आ सकती है तो उसमें अनाज और गल्ले की जरूरत होगी जो है गल्ले और अनाज की जरूरत होगी तो हजरत यूसुफ अलीसलातलाम ने कहा देखिए नीचे से निकल करके ऊपर तो तक पहुंचने वाले यूसुफ अलीसलातम कॉला जान नहीं अलाजाइन इन हफीजुन मुझे जो है फूड मिनिस्टर बना दिया जाए खजाने का मालिक बना दिया जाए हजरत यूसुफ अलीसलाम खजाने के मालिक बने फूड मिनिस्टर बने और उसके बाद जब कहत साली पड़ी तो लोगों की मदद की ताउन की किसके जरिए से अपने पावर के जरिए से अपने पावर और ताकत के जरिए से और उसी में वो सारे भाई भी थे कौन

हालांकि जो है खुद खुदे डालने वाले और मक्कारी का रोना बना करके रोने वाले जो है अपने बाप के सामने रो रहे थे और कहा हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं आएगा तो उसी लाइन में हजरत यूसुफ सलाम के भाई भी क्या हुए लग गए लग गए अब आया ऊंट जो है पहाड़ के नीचे तस्वर नहीं किया होगा भाइयों ने सोच भी नहीं पहुंची होगी कि ऐसा होगा हमारा भाई होगा जिसको हमने डाला था और वो एक दिन ऐसा होगा और हालात ऐसे होंगे कभी हमने तस्वूर किया था कि जो हमारी जिंदगी में ऐसा लॉकडाउन आएगा कभी नहीं तस्वर किया था और जब लॉकडाउन का वो अयाम आया तो आदमी परेशान और हैरान जो जहां वहीं परेशान और फिर इंसान यही तमन्ना कर रहा था अल्लाह हमें जिंदगी जो है आफियत बख्श दे दे तो हम तेरे बंदे बन जाएंगे इबादत गुजार बन जाएंगे तकवाशार बन जाएंगे हर आदमी के अंदर ये बात ये जज्बा गूंज रही थी लेकिन जैसे ही मुसीबत हटी वैसे ही मामला फिर वैसे हो गया फिर डावा डोल है अल्लाह तबारक वाला से डरो और खौफ खाओ चुनाचे हजरत यूसुफ अलीसलाम ने अपने भाइयों की भी ताउन और मदद की तो ये खदमत खल का जो है ताकत के जरिए कुत के जरिए पावर के जरिए आप मदद कर सकते हैं तो ये वजह है कि अगर आपके पास दौलत हो शरबत हो तो आप अपने बच्चों को आला तालीम दें आला तालीम दें और मैं ये तो कहता हूं कि आप आई और पी बनाएं इसको तरजीह दें आप अपनी जिंदगी में इसको तरजीह दें इनशाला बहुत फायदा होगा एक आई पूरे जिला डिस्ट्रिक का मालिक होता है उसके कलम में सारे जिले होते हैं सारी चीजें होती है देखिए कौम का कितना बड़ा फायदा हो सकता है बहुत बड़ा फायदा हो सकता है लेकिन जब हम तालीम में आगे रहेंगे तब ना उसके बाद आइए तीसरा पहलू बयान करके मैं बात को खत्म करता हूं माली फायदा क्या है माल के जरिए से खदमत करना अल्लाह आपको दौलत दी है तो आप माल के जरिए से लोगों की ख़िदमत करें और जानते हैं जहन्नम में जाने का एक सबब यह भी होगा कि हमने लोगों को खाना नहीं खिलाया होगा यानी अपने माल के जरिए से लोगों की मदद नहीं की होगी गरीबों मोहताजों बेकसों और यतीमों का हम सहारा नहीं बने होंगे तो जहन्नम में जाने का एक सबब यह भी होगा कुरान करीम बयान फरमाता है अल्लाह तबारक वाली ने कहा वलम न कुन तो मिस्किन वकुन्ना नखोजुमाल खाजीन वकुन्ना नुकदीन हतान यकीन क्या कहा के पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों आए तो जहां कालू लमन को मिनल मुसलिन नमाजी नहीं थे वहीं पर जिक्र ये भी है वलम न को नुतमिस हम गरीबों को बेसहारों को परेशान हाल लोगों को जो खाना नहीं खिलाते थे लोगों की ताउन और मदद नहीं करते थे तो ये जहन्नम में जाने का एक सबब यह भी है तो इसीलिए अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी हो तो आप अपनी दौलत के जरिए से लोगों का ताउन करें लोगों के काम आए नबी मुकर्रम अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहुत थी जो है इन तमाम तर खिदमत से भरी पड़ी है क्या बयान किया जाए क्या छोड़ा जाए हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम की जिंदगी का मामूल यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रात अगर घर में कोई चीज मौजूद रही हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आती थी यहाँ तक कि वो लोगों तक पहुंचा दिया करते थे यानी मोहताज लोगों तक पहुंचा दिया करते थे जब तक वो पहुंच नहीं जाया करता था आपके पास रहता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन रहा करते थे ये आपका मामूल था ये आपकी जिंदगी की हालात अम्मा आयशा रजी अल्लाह तला बयान करती हैं और अम्मा आयशा रजी अल्लाह तला बयान करती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मर्तबा मेहमान आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है घर में सवा जो है दरिया फरमाया कि आखिर कुछ खाने को मौजूद है कहा कि अल्लाह के रसूल वसल्लम कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय पानी के कुछ भी मौजूद नहीं यानी बाज़ दफ़ा जो है खजूर भी नहीं रहा करता था ये मामला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात और अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कई महीने कई माह गुजर जाते थे घर में चूल्हे नहीं जलते थे इसका मतलब ये नहीं था कि बड़ी गुरबत थी हम और आप ये समझ रहे ऐसा नहीं बल्कि वो दिलदरिया था कि नबी मुकर्रम लोगों में तकसीम कर दिया करते थे आप लोगों के अंदर बांट दिया करते थे यह हाँ आपका हाल था आइए उन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब कराम का मामूल हम आप के सामने पेश कर देते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तु जो गुलामों को आज़ाद करने में पेश पेश रहा करते थे इसी तरीके से हर महाज पर खड़े रहा करते थे खदमत खल का जज्बा था इन सहाब कराम के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह त जब मक्के से मदीना हिजरत कर रहे थे तो जानते हैं कि 5000 हजार दीनार या दिरहम लेकर के मक्के से रवाना हुए थे इनके वालिद मोहतरम अबू कहाफा जो अभी ईमान नहीं लाए थे चुनाव चे आप वसल्लम के साथ रवाना हो गए और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तहों की बेटी हजरत असमा रजी अल्लाह तहा थी हजरत आसमा रजियाल्ला के पास अबू कहाफा आए और दरिया फरमायास्मा क्या तेरे बाप ने कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है कुछ भी नहीं था कुर्बान जाइए उन जो है खातून पर जिनके जज्बे ऐसे थे क्या मामला था क्या माजरा था गौर कीजिए हजरत आसमा बयान किया जाता है तारीख के अंदर सीरत के अंदर कि कहाफा की अबू कमजोर थी तो हजरत ने क्या किया जो एक चादर लिया और नीचे से पत्थर रख दिया और अपने दादा अबू कहाफा के हाथ को उसी पर रखवा दिया कहा कि देखो मेरे बाप अबू बकर ने सब कुछ छोड़ करके गए हैं हमारी जिंदगी जीने के सामान छोड़ करके गए हैं आप रहें तो ये तसल्ली दी थी हजरत असमा अपने दादा अबू कहाफा को तो सहाब क़राम खिदमत खल का जज्बा किस कदर पेश किया बेशुम मिसालें सीरत के अंदर मौजूद हैं और आप खुद ही इन्हीं बातों से इन वाक्यात से आप जान सकते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लास की बेटी हजरत फातमत ज़हरा रज त हजरत अली रजी अल्लाह बियाही थी हजरत अली रजी अल्लाह मजबूर थे जिंदगी जीने के सामान उनके पास नहीं थे घर भी नहीं था एक मरतबा नबी मोहतरम वसल्लम हजरत फातिमा से मिलने आए नबी पाक सल सल्लाम से हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा हजूर नौमान हज़रत नमान के पास जो है बहुत सारे महल्ला हैं बहुत सारी जिसे हम अपने लफ्ज़ों में बिल्डिंगों और फ्लैटें कह लें वो मौजूद हैं अय मेरे अब्बा आप उनसे कहें कि वो मुझे कुछ दे दें चुनानचे मदनीय ताजदार जनाब मोहम्मद रसोल्ला वसल्लम बड़े हयादार इंसान थे चुनानचे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया फातिमा जो हजरत नुमान वैसे ही बहुत कुछ पहले से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान कर चुके हैं अब मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे मजीद और कुछ कहूँ चुनानचे बात हजरत हारसा रजी अल्लाह को पता चली तो नबी मुकरम वसल्लम के पास आए और कहा के रसूल अलैहि वसल्लम इससे बड़ी बेहतर बात और क्या हो सकती है कि मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम के रास्ते में कुर्बान कर दूं ये खिदमत खलक का जज्बा था आज हमारे पास भी दौलत है हमारे पास भी मकान और फ्लेट हैं लेकिन आपको अगर कहा जाए तो आप बहुत डरते हैं हम और आप राह रब में खर्च करने से बहुत घबराते हैं आइए एक मुसलमान क्या खिदमत खल्क करेगा हम और आप मुंबई की दुनिया में रहते हैं हमने भी बहुत सारे तजर्बात आप ही लोगों के बीच से हासिल किया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की टांगें खींचने में आगे रहता है यानी जब कोई परेशानी आती है तो आदमी उसकी मजाक बनाता है ओहो कुर्बान जाइए उन सहाबा का खिदमत का जज्बा क्या था जब जो है साहब रसूल हजरत बिन औफ रजी अल्लाह त मक्के से मदीना हिजरत कर रहे हैं अल्लाह अकबर वाक आपके सामने है कि घर वालों ने जो है बेटा छीन लिया लड़का छीन लिया और ससुराल वालों ने अपनी बेटी को छीन लिया यानी उनकी औरत को छीन लिया और जो कुछ माल था मक्के में कमाया हुआ वो लेके जाना चाहते थे वो मक्के वालों ने वो माल भी छीन लिया इतना ही नहीं बल्कि उसब रसूल हजरत अब्दरहन बिनाओ फ्रजा अल्लाह तु को मारा इतना मारा कि वो बेहोश हो गए जब होश आया तो हजरत अब्दुलरहमान बिनाओ फ्रजा अल्लाह तु पैदल जनाब मोहम्मद के पास मक्के से मदीना हिजरत करके आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीबी भी छिन गई मेरा बच्चा भी छिन गया मानो जर भी पास आपकी मोहब्बत और ईमान लेकर के हाजिर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम लोगों ने तो कुछ छीन लिया उस वक्त जब अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इस

अनहो से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई थी चुनाव से हजरत साथ बिन रबी रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अब्दुर रहमान यह माल और ये सारी चीजें हमारे पास दो बीविया एक बीवी मैं आपको दे देता हूँ ये माल मैं आपको दे देता हजरत मुझे बाजार का रास्ता दिखलाइए चुनाचे बाजार का रास्ता दिखलाया देखिए सहाब कर अपने एक भाई की एक महाजिर भाई की किस कदर मदद की परेशानी में किस तरह साथ दिए इसका अंदाजा आपको इस वाक से हो गया होगा तो हमें और आपको यह चाहिए कि अगर हमको अल्लाह तबारक माल दिया है तो खिदमत खल का जज्बा पैदा करें माल के जरिए से लोगों की ताउन करें मजा ना उड़ाएं यहां देखिए अपने भाई का लोगों ने साथ दिया तो साहब कराम का यह जज्ब अमल था आइए उसके बाद बहुत सारे वाकयात हैं क्या क्या वाकयात आपके सामने पेश किया जाए खिदमत खल के लिए सबसे बेहतरीन जरिया जो हमारे और आपके लिए हो सकता है वो क्या है जानते हैं बैतुलमाल निज़ाम निज़ाम माल देखिए दुनिया में जानवर भी जीता और खाता है यह मकसद नहीं है कि हम बिल्डिंगों में रहें एयर कंडीशन में रहें यह मकसद असली नहीं है हमारा हमारा मकसद असली ये होना चाहिए कि हमारी जिंदगी से लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो फायदा पहुंचे यही है यही है एक मुसलमान का जो है मतब नजर एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा जाविया यही होना चाहिए तो लेकिन हम और आप देखते हैं एक बात एक मिसाल पेश करता हूँ इस दुनिया में एक कौम है जो तादाद में बहुत कम है और पूरी दुनिया पर वो हावी है वो कौम कौन सी है आ? यहूदी यहूदियों की कामयाबी का राज क्या है तारीख आप पढ़ते होंगे आप हमसे ज्यादा जानते होंगे यहूदियों की कामयाबी का राज क्या है जानते हैं डॉक्टर स्टीफेन कार्लिवन ने यहूदियों की कामयाबी का राज बदलाया है बहुत सारी बातें उन्होंने बयान फरमाई उन बातों में से जो चंद बातें हैं वो ये है कि उनके यहाँ एक ट्रस्ट है न्यूयॉर्क में उनका एक ट्रस्ट रहता है जैसे वो अपने बच्चों को शुरू में अपनी ज़ुबान की तालीम उसके बाद अरबी ज़ुबान कौन सी जुबान अरबी ज़ुबान जिसके चक्कर हम और आप छोड़े हैं हम तो क्या कहते हैं हाँ दिस और दैट और दिस और दोज है ना हु और दिस इसी में मस्त हैं बैठ जो हमारा पढ़ ले रहा है हाँ अंग्रेजी पढ़ ले रहा है क्या अंग्रेजी हाँ बस उसको रीडिंग आ गई बस समझे बहुत फार यहूदी अपने बच्चे को अपनी जुबान अपना कल्चर फिर अरबी जुबान इब्रानी जुबान जो उनकी है फिर उसके बाद जो है वो अंग्रेजी जुबान जो दुनिया की जो है फर्स्ट जुबान है आलवर्ड लैंग्वेज है तो उन्हीं में से जो है उनको इस बात की तालीम वो देते हैं फिर अपने बच्चों को मान लीजिए दसवीं और बारहवीं के बाद बारहवीं के बाद फिर वो एनालिसिस करते हैं तजिया किया जाता है कि किस बच्चे का दिमाग किस काबिल है मान लीजिए वो डॉक्टर के शोबे में जाने के लायक है तो उसको छांट करके उधर किया जाता है मान लीजिए इंजीनियर के लायक है उसको छांट करके उधर किया जाता है यानी वहीं से साइड यानी जो जिस दिमाग का होता है जिसका जहन ज़्यादा जाता है उसी तरफ उसको उसी शोबे में डालते हैं आप वो मान लीजिए डॉक्टरी में ज्यादा दिलचस्पी रखता है तो उसको डॉक्टर बनाते हैं तो उसका नजरिया क्या होता है डॉक्टर जब बनाते हैं तो उसका नजरिया क्या होता है नौकरी का नहीं यहूदियों की कामयाबी का राज यह है इंजीनियर बना तो उसका नजरिया यह है कि हम नौकरी नहीं करवाएंगे तो क्या करवाते हैं वो लोग जब वो डॉक्टर बन गया जब वो इंजीनियर बन गया या और किसी काबिल हुआ तो मान लीजिए डॉक्टर है तो उसके लिए ट्रस्ट के जरिए से बिला सूद के याद रखा जाए बिला इंटरेस्ट के एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा देते हैं उसी ट्रस्ट के जरिए से और फिर उसका आनर उसका मालिक कौन होता है वही जो है डॉक्टर वही जो है यहूदी लड़का होता है चुनानचे अब उसके अंडर में सारे डॉक्टर होते हैं यानी वो मालिक है उसके अंडर में काम करने वाले सारे लोग हैं अब बताइए कि वो कामयाब होंगे कि हम और आप कामयाब होंगे जिनके यहां जमहियत की एक तोसिया है वही मांगते रहो वही लेकर के जो है चंदा करते रहो यही है अगर कहूंगा मैं क्या कहूं आपसे अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी आप खुद ही देख ले अंदाजे तकाफुल अपना। इतनी बड़ी जमेयत और जमात है और इतने बड़े लोग हैं हमारे और आपके मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं बताओ अल्लाह वालो आपका कोई एक स्कूल है इस मुंबई में जिसे माया नगरी कहा जाता तो काहे चिल्ला रहे हमारी बेटी भाग रही है हमारा लड़का खराब हो रहा है ये डिग्री के साथ दूसरी डिग्री लेके निकल रहा आपका एक स्कूल है ईमानदारी से बताओ नहीं है आपके एक कॉलेज है कोई नहीं है आपके पास कोई हॉस्पिटल है नहीं है तो क्या आप खिदमत करोगे यार क्या आप खिदमत करोगे कौन आपकी तरफ आएगा नहीं आएगा इसीलिए अपने फैसले को बदलो और हौसलों को बुलंद करो कि अल्लाह तबारक वाले ने हमें माल दिया हम कॉलेज बनाएंगे यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम इसी तरीके से हॉस्पिटल बनाएंगे लोगों के काम आएंगे ट्रस्ट बनाएंगे लोगों के काम आएंगे इससे फायदा होगा और ये दो रुपया और चार रुपये से कुछ होने वाला नहीं है आज एक गरीब मुसलमान जो फितने इत के लोग शिकार हैं माली ताउन नहीं हो पाता है उनका माली मदद नहीं हो पाती है लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं गरीब आदमी परेशान उसका इलाज नहीं हो पाता है तो हमें और आपको अगर खदमत खल करना है तो अपने तय ये जज्बा पैदा करना होगा कि हमारे ये सारी चीजें होनी चाहिए वरना आप रोते रहें चिल्लाते रहें कुछ होने वाला नहीं बिरयानी से और पुलाव से कुछ नहीं होगा सिवाय सुबह गैस के गोली खाने से समझ गए बिरयानी और पुलाव के में जो है सिर्फ सुबह गैस की गोली खाने से कुछ होने वाला नहीं है आप अपने आप को तैयार करो आइए सैदना उम्र फारूक रजी अल्लाह जनाब मोहम्मद के वो प्यारे सहाबी जिनके दौर में बाजाबतः तौर पर बैतुल माल का क्याम हुआ था और उसी बैतुल माल के जरिए से लोगों की ताउन और मदद की जाती थी कैसे कैसे किया हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ने अब वो सारी चीजें हम क्या बयान करें आपके सामने एक ही वाकया बयान कर देते हैं एक मरतबा उम्र फारूक रजी अल्लाह थे गश्त पर रियाया की खरखैरियत मालूम करने के लिए एक शख्स मिला और उसने कहा कि मैं उमर से मिलना चाहता हूँ मैं इस शहर में अजनबी हूँ मेरे हालात ये हैं मेरी बीवी का माजरा ये है वो जो है हमल के अंदर है अब मैं कहाँ जाऊं मेरा कौन मदद करेगा उम्र फारूक हो पलट करके आए वापस आए और बैतुलमाल से जो है चूल्हे जलाने के सारे मटेरियल लेकर के गए और खुद चूल्हा जलाया और खाना तैयार किया और अपनी बीवी को भी लेकर के उमर फारूक गए थे बीवी को घर के अंदर भेज दिया और जब बच्चे की विलादत हुई तो उम्र फारूक रजी अल्लाह तहों की जोज मुहतरमा ने यह कहा क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन आवाज थी अमीरुल मोमिनीन इस घर में बच्चे की बलादत हुई है वो आदमी जो शिकायत कर रहा था वो मोमिनीन का नाम सुना अचानक में वो जो है बेचारा चौंक गया कि अमीरुल मोमिनीन जो मेरे लिए खाना बनाए अमीरुल मोमिनीन के जोजे मोहतरमा जो है वो हमारी बीवी के ताउन कर रही हैं हमारी बीवी के साथ हैं अल्ला अकबर तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैतुलमाल ही का वो निज़ाम था जिससे सयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तू ने जो है पूरी दुनिया पर हुकूमतें की थी और गरीबों की मस्किनों की जो है जो है यतीम और बेवाओं की जो उम्र फारूक रजी अल्लाह ने मदद की थी तो ये जरिया बड़ा कार है हमें और आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए और माली ताउन के जरिए से ये निज़ाम आगे बढ़ाना चाहिए जिससे खदमत खल का बहुत बड़ा फायदा होगा और जानते हैं कि अगर हमने दुखती रग पर किसी का सहारा दे दिया बन गए हम और आप तो आदमी बहुत आपसे जो है मानूस हो जाता है अगर आदमी बेचारा बीमार है आदमी इसी तरह से मफलूक हाल है आप उसका राशन आप उसकी बीमारी के पैसे आप दे दें देखिए जितना मैं चीखता और चिल्लाता हूं दावत ला लाला मोहम्मद की दे रहा हूं उससे ज्यादा ज्यादा इससे हूँ कार आमदम खलक है कि लोग इस्लाम की तरफ आएंगे और इस्लाम में दाखिल होंगे यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था यही तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया था तो ये जज्बा हमें और आपको अपने अंदर पैदा करना होगा ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह अगर हमारे कहने में कोई कमी और कोताही हुई तो अल्लाह मेरी कमी और कोताहियों को माफ फरमा अल्लाह हमारे अंदर खिदमत खल का जज्बा आता फरमा आलमीन हमें अपने लिए नहीं बल्कि गैरों के लिए जीने की तौफीक अता फ़रमा हमें बिला तफरीक, मसलक व मजहब अल्लाह रबूल आलमीन लोगों के हर मुमकिन काम आने की तू तो़ीकता फ़रमा अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है सब की परेशानियों को तो दूर कर दे मौला अल्लाह हम में से जो बीमार हैं अल्लाह तो उन्हें शिफाए का मिला अजलाता फ़रमा मौला अल्लाह हम में से जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज की अदायगी की तोफ़ी कता फ़रमा मोला अल्लाह हमारे कारोबार ठप पड़ चुके हैं रब्बालमीन हमारे कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी की तरह तरक्की याता फरमा मौला ए ला रबालमीन हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं ए ला उन तमाम तर परेशानियों से तो हमें नजात दे दे मौला रबालमीन हमारे घर में हमारी जवान बेटियाँ हैं अल्लाह तबारक वाल तो हमारी बेटियों के रिश्तों को तू सही तौर से कायम व दायम कर दे मौला ए ला रबालमी ए पाक परवरदिगार आलम ए ला जो हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं जिनका ख़ात्मा कल में तोहेद पर हुआ है रब्बुल आलमीन तूने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमा ऐ अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा रहें ईमान इस्लाम पर जिंदा रहें जब हमारा ख़ात्मा हो कल में तोद ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो इतना ही नहीं ऐ अल्लाह तूने जो जन्नत बनाई है हम तमाम माहिदीन बंदों को जन्नतफरदौस में आला मकाम अता फ़रमा आमीन तकब्बल रबालमी वाखरुदावाना रबालमीन अल्लाम वरहमल वबरक